इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, उनके पास मौजूद संसाधन, इतनी बड़ी सेना, वो पूरे चुनाव में दावा करती रही 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 160 सीटें उनकी कमाई, 240 सीटें आई। पिछली बार की 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कमाई। ये जनादेश इस देश की जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ दिया है, ये जनादेश महंगाई के खिलाफ दिया है, ये जनादेश अग्निवीर के खिलाफ दिया है, ये जनादेश संविधान को खत्म करने की कोशिश और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ दिया है, और साथ ही साथ ये जनादेश कहीं ना कहीं नफरत की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति के खिलाफ ये जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा,